हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर ये वीडियो शुरू करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मींस जीएसटी। स्टूडेंट्स, आपने बहुत सुना होगा जीएसटी के बारे में। हमारे कंट्री में ये 2-3 साल पहले इम्प्लीमेंट किया गया है, जबकि वर्ल्ड के मैक्सिमम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये बहुत पहले ही शुरू हो चुका है। आगे आगे आने वाला जो टाइम है वो जीएसटी का ही है, तो इसलिए हमको बहुत अच्छे से समझना है जीएसटी के बारे में। जीएसटी को मैं चाहता हूँ जीएसटी के बेस से आप समझें कि जीएसटी क्या है, जीएसटी से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, जीएसटी से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होने वाला है, हमारे कंट्री को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझना है, और इसको जब तक हम बेस से नहीं समझेंगे तो आगे नहीं समझ पाएंगे। तो हम एक जर्नी शुरू करेंगे जीएसटी की, कि जीएसटी कैसे आया। और आप बोलेंगे कि अभी 2-3 साल पहले अगर जीएसटी आया तो उससे पहले कौन से टैक्स थे, तो उससे पहले के टैक्सेस के बारे में भी हम जिक्र करेंगे और वो बताएंगे कि उन टैक्सेस में क्या ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से जीएसटी को लाना पड़ा। तो अब हम जीएसटी को समझने की कोशिश करते हैं। जीएसटी, तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं जर्नी ऑफ जीएसटी, मीन्स जीएसटी कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इसके बारे में हम बेसिक नॉलेज लेंगे। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर क्या था, ओल्ड इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, कोई भी टैक्स लॉ पास होता है तो वो सबसे पहले लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से, और फिर पास होके वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, CBEC जिसको हम बोलते हैं। ये जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, दिस बोर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शंस ऑफ ऑल टैक्सेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सारे टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो मेन टैक्सेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो हैं कस्टम, सर्विस टैक्स एंड एक्साइज। कस्टम होता है फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस टैक्स है फॉर सर्विस प्रोवाइडर, एंड एक्साइज ड्यूटी है फॉर मैन्युफैक्चरर्स, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। अब हम आगे चलते हैं, ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा और राज्यसभा से टैक्स लॉ पास होता था, इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली से टैक्स लॉ पास होकर स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री को पास ऑन करती है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में होता है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस को कलेक्ट करे। स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स कलेक्ट करती है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो था वैल्यू एडिड टैक्स, जिसको हम वैट के नाम से भी जानते हैं। तो वैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टैक्स फॉर स्टेट, बींग मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रिवेन्यू वैट था स्टेट्स के लिए। वैट एप्लीकेबल विद इन द स्टेट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड नॉट ऑन सर्विसेज। वैट जो है ये स्टेट के लिए सेल एंड परचेज के लिए है, गुड्स के लिए, एंड नॉट ऑन सर्विसेज। विद इन द स्टेट अगर सेल एंड परचेज है तब वैट लगता था, लेकिन सर्विसेज के ऊपर नहीं लगता था। इसके अलावा जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट था वो और भी टैक्सेस कलेक्ट करता था, लाइक परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स। तो इस तरह के और भी टैक्सेस थे जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। अब हम और आगे चलते हैं। अब अगर इंटर स्टेट सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स बिटवीन टू स्टेट, पहले क्या होता था, अगर एक स्टेट वन ले लें हम, मैन्युफैक्चरर अगर स्टेट वन में है और बायर स्टेट टू में है, राजस्थान में है,
तो पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था जिसको CST बोला जाता है, इंटर स्टेट बोलते हैं इसको अगर दो स्टेट्स के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है तो CST ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व डिफरेंट फॉर्म्स लाइक सी फॉर्म, एफ फॉर्म, एच फॉर्म, E1 फॉर्म, E2 एक्सेट्रा। CST ट्रांजेक्शन्स में बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते थे, उन फॉर्म्स के नाम होते थे सी फॉर्म, एफ फॉर्म, एच फॉर्म, E1 एंड E2। इस तरह के फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स थे, तब जाके ये सेंट्रल सेल्स टैक्स भरा जाता था। इसके अलावा CST जो प्रोसीजर था डेट वॉज़ वेरी हैक्टिक एंड स्लो प्रोसेस था, बड़ा हैक्टिक था इतने सारे फॉर्म्स को भरना, और फिर ये स्लो प्रोसेस प्रोसेसिंग में था। कुछ प्रॉब्लम्स थी ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम्स में, या आप कह लो ड्रॉबैक्स थे हमारे पुराने ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में। वो क्या थे जिसकी वजह से GST को लाना पड़ा। अब हम समझेंगे कि पुराने सिस्टम में क्या ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला ड्रॉबैक था देयर वर नंबर ऑफ टैक्सेस लाइक एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट एक्सेट्रा, एंड ईच बिजनेस नीड टू रजिस्टर एंड कंप्लाई विद दीज टैक्सेस। बहुत सारे टैक्सेस थे, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, और हर बिजनेस को वो रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी था एंड देन कंप्लाई विद दिस ऑल दीज टैक्सेस। दूसरी जो प्रॉब्लम थी, कंप्लाइंग एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ वैरायटी ऑफ टैक्सेस वाज डिफ़िकल्ट। उसके बाद उन सब फॉर्म्स की, सब टैक्सेस की, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट की, सबकी मंथली रिटर्न भरनी पड़ती थी, जो कि बहुत मुश्किल था और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था। थर्ड इज़ CST सिस्टम ऑफ इशूइंग डिफरेंट फॉर्म्स लाइक CHF एक्सेट्रा फॉर्म्स वर कॉम्प्लिकेटेड। ये जो फॉर्म्स थे CHF, इन फॉर्म्स को समझना, भरना, ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था सेंट्रल सेल टैक्स सिस्टम्स के अंडर में। फिर सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स वर नॉट पॉसिबल ड्यू टू वेरियस एंट्री टैक्सेस। हर स्टेट के एंट्री टैक्स लगते थे तो, और उन टैक्सेस की वजह से, एंट्री टैक्सेस की वजह से मूवमेंट ऑफ गुड्स जो था वो सीमलेस नहीं था, मतलब स्मूथ नहीं होता था, क्योंकि हर स्टेट में एंट्री करने से पहले एंट्री टैक्स देना पड़ता था। तो देयर वॉज प्राइस डिफरेंस इन इंडिया ड्यू टू डिफरेंट वैट रेट्स इन एवरी स्टेट, और उसके ऊपर भी हर स्टेट में जो वैट के जो रेट्स होते थे वो हर स्टेट में डिफरेंट थे, इनके प्राइस रेट्स हर स्टेट्स में डिफरेंट थे, तो और भी डिफिकल्ट था। कास्केडिंग अफेक्ट इन सेंटर एंड स्टेट टैक्सेस। कास्केडिंग इफेक्ट्स का मतलब होता है हम टैक्स के ऊपर टैक्स देते थे, फॉर एग्जाम्पल एक्साइज के ऊपर वैट भी लगता था, एक्साइज के ऊपर CST भी लगता था, और वो अननेसेसरी था। जब एक दफ़े टैक्स दे दिया तो उसके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स क्यों देते हैं, इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, तो डेट वॉज अननेसेसरी। और जो लास्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आवर टैक्स सिस्टम डिड नॉट मैच ग्लोबल स्टैंडर्ड, सो डूइंग बिजनेस इन इंडिया वॉज डिफिकल्ट। हमारे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते थे उनके लिए बहुत मुश्किल होता था इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो इतने सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं, इतने सारे फॉर्म्स हैं, इतने तरह के टैक्सेस हैं, एक्साइज, सेंट्रल सेल टैक्स, वैट, इतने सब कुछ हैं, इनकी वजह से डिफ़िकल्ट समझते थे वो लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना। इस उन सब वजहों की वजह से GST को लाना ज़रूरी समझा गया। अब देखिए GST इम्प्लीमेंट हुआ, GST इम्प्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 को, ये BJP गवर्नमेंट के फर्स्ट टेन्योर में इम्प्लीमेंट किया गया। काम तो इस पे बहुत टाइम से चल रहा था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन डेट इसकी रखी गई 1 जुलाई 2017। इसके आने पे बहुत सारे टैक्स हमारे ख़त्म कर दिए गए। अब हम आगे देखते हैं, इसमें GST का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया सच एज एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017 एंड केम इन टू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017।
जैसा कि मैंने कहा, बीजेपी गवर्नमेंट का फर्स्ट एनुअल में 29 मार्च 2017 को ये पास हो चुका था पार्लियामेंट में, लेकिन इसको इफेक्टिव डेट रखी गई 1 जुलाई 2017। और इस टैक्स के आने से बहुत सारे टैक्सेस जो थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को इस टैक्स ने रिप्लेस कर दिया, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी के हमारे क्या फीचर्स हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की क्या खूबियाँ हैं जिसकी वजह से इनको लाया गया। सबसे पहली बात थी, जीएसटी इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। इट रिप्लेसेस ऑल अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्सेस डेट वर अर्लियर लेविड, एक्सेप्ट कस्टम ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम एंड एल्कोहल। जीएसटी जो था सब टैक्सों को मिला के एक टैक्स बनाया गया, तो इसकी वजह से सारे टैक्सेस पुराने जो थे वो सब हटा दिए गए, लेकिन फिर भी कुछ टैक्सेस जैसे कस्टम ड्यूटी वो अभी भी है। इसके अलावा कुछ टैक्सेस हैं पेट्रोलियम पे और अल्कोहल पे, वो अभी चल रहे हैं। सेकंड इज, जीएसटी इज़ ए वैल्यू एडेड टैक्स बिकॉज जीएसटी पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। इसका मतलब है जीएसटी जो हम पे करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, जीएसटी जो पे किया वो उसी गुड्स को बेचते वक्त जो हमने कलेक्ट किया जीएसटी, उस समय वो सेट ऑफ हो जाता है। इस बात को हम और अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं कि क्यों ये जीएसटी को हम वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। सपोज कि गुड्स परचेज्ड किया है 10,000 रुपीज़ का, इसके ऊपर हमने जीएसटी दिया 18% यानी कि 1,800 रुपीज़ का। अब ये रॉ मटेरियल था जो भी था, इसके ऊपर काम करके फिनिश्ड गुड्स बनाया गया और उसी गुड्स को आगे बेचा गया। ये रॉ मटेरियल था, इसके ऊपर हमने 1,800 पे कर दिया था। अब यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स बन के जब वो तैयार हो गया तब इसको आगे मार्केट में बेचा गया, तो वो गुड्स जो हमने 10,000 का लिया था वो हमने अब 15,000 का बेच दिया, इसके ऊपर 18% का जीएसटी लगाया। सेल के टाइम पे ये हमने कलेक्ट किया 2,700 जीएसटी। यहाँ पे क्या किया था हमने, 10,000 पे 1,800 हमने पे किया था मैन्युफैक्चरर को, जिससे कि हमने रॉ मटेरियल लिया था। यहाँ पे हमने कस्टमर से या रिटेलर से हमने जीएसटी को कलेक्ट किया है 2,700 जो कलेक्ट किया है सेल के ऊपर, ये एज़ पर गवर्नमेंट ये हमें जमा करना क्योंकि हमने कलेक्ट कर लिया है। लेकिन हम बोलते हैं कि ये हमने तो 10,000 पे 1,800 पहले ही दे दिया है, फिर हम 2,700 क्यों दें। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, आपने सेम गुड्स के ऊपर 1,800 आपने पहले ही दे दिया है, अब आप 2,700 मत दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस दे दीजिए, दैट इज़ बैलेंस 900 इज़ पेबल टू द गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि 900 रुपये ही अब पे करना है क्योंकि हम 1,800 रुपये पहले ही दे चुके हैं, 2,700 रुपये हमने कलेक्ट किए हैं, तो डिफरेंस हमने 900 रुपीज़ दे दिया। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स सेट ऑफ जीएसटी। इसको हम आगे बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, अभी ये सिर्फ बेस हमने आपको बताया, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे सेट ऑफ जीएसटी के ऊपर। अभी हम फिलहाल आगे चलते हैं। जीएसटी इज़ नीदर कॉस्ट नॉर इनकम, ना तो ये कॉस्ट है ना ही इनकम, समझनी चाहिए इसको, डिटेल में समझिए। जीएसटी पेड इनपुट जीएसटी, जीएसटी जो हम पे करते हैं जैसे यहाँ पे किया था, इसको बोला जाता है इनपुट जीएसटी। ये 1,800 रुपीज़ जो था ये इनपुट जीएसटी था, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट कॉस्ट फॉर द परचेजर बट एन एसेट सिंस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी जो इनपुट है ये वाला, ये कॉस्ट नहीं है, इसको हम ये नहीं मान सकते कि हमारी जो कॉस्ट है, क्योंकि ये जो ये इसको हम एसेट्स के रूप में ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये सेट ऑफ हो जाएगी आगे जाके जब हम सेल करेंगे गुड्स को, तो इसको हम कलेक्ट भी तो कर लेंगे कस्टमर से। तो सिंस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसी तरह जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट एन इनकम ऑफ द सेलर बट इट इज़ लायबिलिटी एंड इज़ पेबल टू गवर्नमेंट आफ्टर एडजस्टिंग इनपुट।
सिमिलरली जीएसटी जो यहाँ कलेक्ट किया है 2700, इसको हमें अपनी इनकम भी नहीं समझना है, क्योंकि जो ये जो हमने कलेक्ट किया है इसको जीएसटी पेड के साथ में सेट ऑफ करेंगे और जो बैलेंस होगा वो गवर्नमेंट को पेएबल होगा। तो कहने का मतलब ये है जो जीएसटी जो पेड है वो ना तो हमारी एक्सपेंस है, ये एक तरह से एसेट्स है, और जो जीएसटी जो हमारा पेएबल है हमारी इनकम भी नहीं है, लायबिलिटी है, क्योंकि ये एडजस्ट होगा जीएसटी पेड के साथ में। अब आगे चलते हैं जीएसटी के और फीचर्स देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं इसमें। यूनिफॉर्म रेट्स ऑफ जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन इंडिया, देयर बाय मेकिंग वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट। जीएसटी के जो रेट्स हैं पूरे इंडिया में सारी स्टेट्स के अंदर एक ही रेट्स हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया के सारे स्टेट्स एक कॉमन मार्केट बन गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मोबाइल पर जीएसटी 18% लगना है तो वो 18% सभी स्टेट 18% ही चार्ज करेंगी, डिफरेंट रेट्स चार्ज नहीं करेंगी। तो इसकी वजह से एक यूनिफाइड कॉमन मार्केट इंडिया बन चुका है। नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी। कास्केडिंग इफेक्ट्स जैसे मैंने पहले बताया, हम पहले टैक्स के ऊपर टैक्स दिया करते थे, एक्साइज टैक्स लग रहा है उसके ऊपर हम वैट भी देते थे, एक्साइज के ऊपर सीएसटी भी देते थे, अब वो सब टैक्स पे टैक्स खत्म हो चुके हैं। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में बहुत आसानी हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि पहले इतनी फॉर्मेलिटीज थी, इतने फॉर्म भरने पड़ते थे, सी फॉर्म, एफ फॉर्म, एच फॉर्म, E1 फॉर्म, वो सब भरना पड़ता था, उनकी मंथली रिटर्न्स जाती थी, वो सब अब कुछ नहीं भरना है। अब आपको सिर्फ जीएसटी का कंप्लाइंग करना है और जीएसटी की रिटर्न भरनी है, तो थोड़ा सा हैसल फ्री हो गया, स्मूथ हो गया काम बिजनेस का। गुड्स बिकमिंग चीपर, अब क्योंकि टैक्स पे टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो थोड़े से सस्ते हो गए हैं। अट्रैक्टिंग FDI, रिमूवल ऑफ मल्टीपल टैक्स शैल इंक्रीज FDI इन इंडिया। पहले क्या होता था, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी फॉर्मेलिटीज़ थी, हमारे यहाँ इतने सारे टैक्सेस थे, उन सब की वजह से वो हेजिटेट करते थे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अब उनको भी पता लग गया है कि भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही टैक्स देना है, GST देना है, तो उससे हमारे FDI की जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ईजी कंप्लायंस, ऑल कंप्लायंसेस लाइक रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, पेमेंट्स एक्सेट्रा अंडर द GST सिस्टम विल हैव टू बी डन ऑनलाइन, विच विल मेक कंप्लायंस अंडर द GST सिस्टम हैसल फ्री एंड ट्रांसपेरेंट। अब क्योंकि एक ही टैक्स है, अब उसी का रजिस्ट्रेशन एक दफ़े करवाना है, फिर रिटर्न्स भरनी है और पेमेंट करना है, ये सब अब ऑनलाइन होगा, तो ये सब हैसल फ्री हो गया और ट्रांसपेरेंट है सिस्टम, अब उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई स्मूथ सिस्टम्स है, तो अब उसको भरने में आसानी है। और आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ GST मीन्स टाइप्स ऑफ GST, कितने तरीके के GST हैं वो अब देखते हैं। पहला है CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST इज लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद SGST। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई बोथ CGST एंड SGST इज लेविड एट हाफ ऑफ द प्रिस्क्राइब रेट। मीन्स CGST जो है ये विद इन स्टेट अगर गुड्स का सप्लाई हो रहा है, गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई है, तो CGST लगेगा SGST के साथ में, दोनों लगेंगे, और दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ रेट होगा, प्रिस्क्राइब रेट ऑफ GST का हाफ रेट लगेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, इफ GST रेट इज 18%, देन 9% विल बी लेविड एज CGST एंड 9% एज SCST SGST। इट मीन्स कि अगर GST का रेट 18% है तो 9% उसमें से सेंट्रल के पास जाएगा CGST के नाम से, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और 9% वो स्टेट अपने पास रखेगा एज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है SGST।
SGST is also levied on intra-state supply of goods and services along with CGST. सेम है दोनों, SGST और CGST इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा, एक ही स्टेट के अंदर अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है तब लगेगा। इन केस ऑफ इन दिस केस बोथ CGST एंड SGST इज लेविड एट हाफ ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट। सेम एग्जांपल, अगर 18% GST है तो 9% CGST लगेगा और 9% SGST लगेगा। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और 9% स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। अब क्या है कि कई जगह स्टेट्स नहीं हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, तो उनके लिए UTGST है, यूनियन टेरिटरी GST। ये कब लगता है? UTGST इज लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद CGST, एंड इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई बोथ CGST एंड UTGST इज लेविड एट हाफ ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ टैक्स। अब यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि दिल्ली है, पांडेचेरी है, चंडीगढ़ है, और अभी अभी लद्दाख भी हमारा यूनियन टेरिटरी बना है। ये स्टेट्स तो हैं नहीं, यूनियन टेरिटरी हैं, तो SGST की जगह UTGST लगेगा CGST के साथ में। CGST भी लगेगा और UTGST भी लगेगा। अगेन अगर GST का रेट 18% है तो 9% जो है वो सेंटर के पास जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CGST और 9% उसे यूनियन टेरिटरी अपने पास रखेगी इन द फॉर्म ऑफ UTGST। उस केस में स्टेट तो है ही नहीं तो SGST नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। ये कब लगता है? ये देखिए, इज चार्ज्ड फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर मैन्युफैक्चरर एक स्टेट में है, बायर दूसरे स्टेट में है, तब SGST लगता है, और SGST सिर्फ से अकेला लगेगा उस डेट केस में, CGST और SGST नहीं लगेगा। उस केस में सिर्फ से IGST लगेगा अगर ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज बिटवीन टू स्टेट्स। और IGST कब कब लगता है? ट्रांसफर में तो विद इन स्टेट्स तो लगता ही है, विद इन कंट्री। अगर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है, अगर बाहर से हम गुड्स को मंगवा रहे हैं फॉरेन कंट्री से, तब भी IGST लगता है। इसी तरह एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, अगर हम अपने प्रोडक्ट को किसी बाहर के कंट्री को बेच रहे हैं तब भी IGST ही लगेगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट इज, हाँ अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ GST, इसका समरी फॉर्म में फिर देख लीजिए, एक दफे समझ लीजिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, बेसिक बातें। इंट्रा स्टेट GST, इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द सेम स्टेट। सेम स्टेट में GST टू पार्ट्स में लगता है, स्टेट GST जिसको हम SGST बोलते हैं, और सेंट्रल GST जिसे हम CGST बोलते हैं। और अगर इंट्रा स्टेट से बाहर है, अगर स्टेट से दूसरी स्टेट में है, तो उसको बोला जाता है इंटर स्टेट GST। इंटर स्टेट GST में इंटीग्रेटेड GST लगता है, और वो सिर्फ से IGST ही लगेगा, उस केस में ये दोनों नहीं लगेंगे। एग्जाम्पल के तरह समझते हैं, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है विद इन सेम स्टेट, एक ही स्टेट में अगर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज की है और GST का रेट है 18%, तो CGST हमारा हाफ हो गया, 18 का 9%, और GST का CGST हो गया 9%। दोनों CGST SGST इक्वल हो गए 9%। बट अगर अगर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट, दूसरी स्टेट में है, तो GST रेट अगर 18% है तो IGST ही लगेगा, वो टोटल 18% लगेगा, वो डिवाइड नहीं होगा स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो अभी के लिए हम इतना ही है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अभी हमने समझा GST के बेसिक्स समझे हैं अभी हमने, और हमने समझा कि GST के क्या एडवांटेजेस हैं, GST के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये अभी शुरुआत है स्टूडेंट्स, अभी हमने बहुत कुछ सीखना है GST के ऊपर। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो समझेंगे हम GST को कैसे सेट ऑफ किया जा सकता है,
जीएसटी इनपुट और जीएसटी आउटपुट को किस तरह सेट ऑफ करेंगे, और अगर इसमें सेट ऑफ ना हो, बैलेंस बचता है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स बने रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियो को, और अगले वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू।